नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना मद्देसिया। शुरुआत करते हैं नॉन स्टॉप न्यूज की। अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे अमरिंदर। शाम को किसान आंदोलन पर करेंगे चर्चा। 25 एक्सपर्ट्स के साथ होंगे कैप्टन, बोले यह नॉन पॉलिटिकल डेलीगेशन। देश के नाम बड़ी कामयाबी, अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण। 5000 किलोमीटर तक टारगेट हिट करने में सक्षम। चीन पाकिस्तान सहित पूरा एशिया जद में। पंजाब कांग्रेस में जुबानी जंग, सिद्धू ने अमरिंदर को बताया जयचंद। कैप्टन ने पूछा पंजाब कांग्रेस को बर्बाद करके छोड़ेगी क्या। असम के सीएम को चुनाव आयोग की चेतावनी, शर्मा ने आयोग के निर्देशों और एडवाइजरी के खिलाफ काम किया, भविष्य में अधिक सावधानी बरतें। कश्मीर के बारामूला में आतंकियों ने सेना और पुलिस पर गोली चलाई, जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी ढेर। सिंघू बॉर्डर पर लखबीर के परिजनों के साथ पहुंचे लोग, तनाव बढ़ने पर पुलिस का हल्का लाठी चार्ज। किसान मोर्चा बोले बीजेपी माहौल खराब कर रही। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ी, एनसीबी का एक और गवाह बोला धोखे से कराए ब्लैंक पेपर पर साइन, 3 दिन में दूसरा मामला। सिंघू बॉर्डर पर झड़प, लखबीर के समर्थन में दिल्ली सीमा पर पहुंचे यूपी उत्तराखंड के किसान, पुलिस से भिड़े। पंजाब कांग्रेस में बड़ी हलचल, विधायकों और मंत्रियों के बाद सीएम चन्नी को भी अचानक दिल्ली बुलाया और सब विवाद से नाराज हाईकमान। किसान आंदोलन से लौट रही महिलाओं को डंपर ने रौदा, पंजाब के मानसा की रहने वाली 3 महिलाओं की मौत, बहादुरगढ़ में हुआ हादसा। भाजपा का मिशन पंजाब 2022 शुरू, शेखावत समेत 3 केंद्रीय मंत्री चंडीगढ़ पहुंचे, रात में पंजाब के नेताओं से किया चुनावी मंथन, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखीमपुर कांड पर एक्शन, योगी सरकार ने डीएम को हटाया, 12 आईएएस के तबादले। बंगाल में फिर लौटा कोरोना, सोनारपुरम में 3 दिन का लॉकडाउन लगा, शहर में 19 कंटेनमेंट जोन घोषित। नवाब मलिक का नया आरोप, क्रूज ड्रग्स पार्टी में मौजूद इंटरनेशनल ड्रग माफिया और उसकी माशुका को वानखेड़े ने नहीं पकड़ा। अमेरिकी रिपोर्ट में दावा, भारत ने रूस से हथियारों की खरीदी कम की, लेकिन रूसी उपकरणों के बिना नहीं चल सकती इंडियन आर्मी। डीजीपी और एजी को हटाने पर अड़े सिद्धू, कांग्रेस हाईकमान के आगे भी मुद्दा उठाया, राहुल गांधी ने डिप्टी सीएम रंधावा को दिल्ली बुलाया। सबसे बड़े इशू की तारीख तय, पेटीएम का आईपीओ 8 नवंबर को खुलेगा, प्राइस 2080 से 2150 रुपए तय, 18 को हो सकती है शेयर की लिस्टिंग। लगातार 2 दिन की तेजी के बाद बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 207 अंक लुढ़का, निफ्टी 18,200 के करीब बंद, मेटल इंडेक्स में 1.52% की गिरावट। हार्दिक पांड्या ने शुरू की गेंदबाजी, लंबे समय बाद गेंद के साथ एक्शन में नजर आए, एनजे के खिलाफ खेलना तय। T20 वर्ल्ड कप में नामीबिया ने बांग्लादेश को हराने वाले स्कॉटलैंड को हराया, पहले ओवर में ही रूबेन ट्रम्पल मैन ने 3 विकेट लिए। ड्रग्स केस में रिश्वत का आरोप, एनसीबी विजिलेंस टीम ने वानखेड़े से 4 घंटे पूछताछ की, दस्तावेज जब्त किए। आर्यन खान के बचाव में रामदास अठावले, लखनऊ में केंद्रीय मंत्री ने कहा ड्रग्स लेने वालों को जेल नहीं सुधार गृह भेजना चाहिए। ऋतिक रोशन ने पूरा किया विक्रम वेधा का पहला एक्शन सिक्वेंस, पलक तिवारी के म्यूजिक वीडियो बिजली बिजली का फर्स्ट लुक आउट। आर माधवन के बेटे नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप में जीते 7 मेडल, यूजर्स बोले इसे कहते हैं परवरिश। सरलीन चोपड़ा का पलटवार, राज शिल्पा के 50 करोड़ की मानहानि के बदले एक्ट्रेस ने 75 करोड़ रुपए का मुकदमा ठोका। नॉन स्टॉप न्यूज में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें टुडे 24 न्यूज।